हाउ टू प्ले फास्ट बॉलिंग सीजन 1 पार्ट 2। तो आज का मेन्यू क्या होने वाला है सबसे पहले वही डिसाइड कर लेते हैं। तो आज दो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहली, जब टीवी में जो शॉट्स देखते हो ना यार, क्या कमाल की पोजीशन है, क्या वेट ट्रांसफर है, क्या हेड पोजीशन है, क्या कॉन्टेक्ट ऑफ जो बॉल का टाइमिंग है वो कितना गजब है, तो ये कैसे पॉसिबल होता है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दूसरा बड़ा जो प्रॉब्लम है कि यार मेरा है ना पैर है ना उतना ज़्यादा स्ट्रेच होता नहीं है, या फिर बॉल की लाइन में स्ट्रेच नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम है। तो आज ये दोनों ही प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो हमने इतनी लंबी लंबी बातें कर ली, तो भाई सॉल्यूशन क्या है? तो देखो सॉल्यूशन आई एम श्योर आपको भी पता होगा, वो है अंडर आर्म नॉक्स। लेकिन 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 और एक और लेकिन, तो अगर सबको पता है तो फिर ये वीडियो मैं बनाई क्यों ना। देखो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ना प्लेयर्स ऑब्जर्व नहीं करते, ये सबसे बड़ी गलती होती है प्लेयर्स की। वो लोग अंडर आर्म नॉक्स बस जैसे अच्छा खेल दिया, वेल प्लेड, ये बोल दिया, लेकिन आपको अपने अंदर से भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि यार कॉन्टेक्ट ऑफ जो बैट का टाइमिंग था वो कैसा था, और ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है कि आपका वेट ट्रांसफर पूरा प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है अंडर आर्म नॉक्स में। तो उसमें आपको डिफेंस भी करने हैं और उसके बाद ड्राइव्स भी खेलनी है, तीनों डायरेक्शन में, ऑफ साइड, स्ट्रेट और लेग साइड। तो सबसे पहले हमने पैड्स तो पहन ही लिए, तो एक बार बैटिंग कर ही लेते, उसके बारे में और बात करेंगे कि क्यों अंडर आर्म नॉक्स इतना ज़्यादा वैल्यूएबल है। बैटिंग तो आपने देख ही ली है, अब बात करते हैं अंडर आर्म नॉक्स के बारे में। देखो अंडर आर्म नॉक्स के भी काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि एक तो जो हमारा नॉर्मल जो होता है, हम एंग्री बर्ड की स्टाइल में फ्लाइट देके डालते हैं वो, दूसरा आप क्विक भी डाल सकते हो, तीसरा फ्लैट डाल सकते हो, और साथ ही साथ कई लोग स्पिन भी करते हैं, आपने देखा होगा अंडर आर्म नॉक्स में, तो वो सारी वेरिएशन आप कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल वाला ज़रूर करो, क्योंकि उसमें क्या होगा पता है, बॉल आराम से आएगा तो आपको प्रॉपर बॉल को वॉच करना पड़ेगा और सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व भी कर सकते होंगे, और वो जो टाइमिंग होता है आपको शॉट मारने का वो भी आपको जरूर ध्यान में लेना पड़ेगा, वरना क्या होगा वो बॉल एयर में जाता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं तो उनके बॉल कई बार एयर में जाते हैं, तो वो काफ़ी अर्ली खेल लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें ऑब्जर्व करनी है, तो इसका ज़रूर खास ध्यान देना। ये चीज़ें बहुत आपको लगेगी कॉमन ड्रिल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको हाउ टू प्ले फास्ट बॉलिंग जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें अगर अच्छे से खेलना है तो आप देखोगे अंडर आर्म है लेकिन इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, आप बोल सकते 30% इफेक्ट ये ड्रिल से आने वाला है, तो आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। बारी हमारी दूसरी ड्रिल की, दूसरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बात कर ही लेते हैं। तो वो क्या है कि बॉल की लाइन में पैर स्ट्रेच हो और आपका पैर लंबा स्ट्रेच भी होना चाहिए ताकि आप स्पिनर्स में भी काफ़ी अच्छा खेल सको, तो ये प्रैक्टिस आप ज़रूर कर सकते हो। इसमें भी शॉट का बैलेंस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो, तो इसके लिए आपको चाहिए होंगे बैटिंग टीकोन्स, और जस्ट नॉर्मल आपको थोड़ा दूर खड़ा रहना पड़ेगा ताकि आपका पैर वही स्ट्रेच हो, वेट ट्रांसफर आगे, ये सारी चीज़ें भी आपको चेक करनी है। तो कैसे चेक करेंगे, तो भाई आप मिरर ड्रिल कर सकते हो, यानी कि मिरर के सामने कर सकते हो, शायद टूट जाएगा नहीं, तो एक काम कर सकते हो फ़ोन या फिर ऐसा उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर किसी फ्रेंड्स को बोल सकते हो, तो ये ऑप्शंस है आपके लिए। तो शुरू करते हैं। अब इसमें मेरे को एक और आइडिया आया कि यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकते हो कि यार कई बार क्या होगा पता है कि आप ओवर स्ट्रेच कर जाओगे, यानी कि मान लो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये बॉल की पिचिंग है, ठीक है, कोन में रख देता हूँ साइड में, तो कई बार है ना ओवर स्ट्रेच हो जाएगा। देखो ये टो आप देख पा रहे होंगे आगे, मैं थोड़ा और कर देता हूँ, तो ओवर स्ट्रेच हो जाएगा। जब ओवर स्ट्रेच होगा ना तो उतना पावर जनरेट होगा नहीं, तो वो बम्प होके बॉल निकलता है, तो उसी के लिए आप क्या कर सकते हो, एक और ड्रिल आप कर सकते हो, इसके लिए भी आपको कौन चाहिए होंगे, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये एक कोन आगे एक कोन पीछे, एक कोन आगे एक कोन पीछे, तो आप ऐसे भी सेटअप कर सकते हो ताकि आपके माइंड में वो चीज़ रहे कि आपको कितना पैर स्ट्रेच करना है, तो इसमें आपको लंबा स्ट्रेच करना पड़ेगा और इसमें आपको सेम उतना ही डिस्टेंस के साथ, इसमें हाफ स्ट्रेच के साथ आपको खेलना पड़ेगा,
तो ये दोनों ही ट्राई कर सकते हो। बस क्रिकेट बड़ी, आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो, क्योंकि लाइक वही करता है जिसका दिल बड़ा होता है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार अब तो कर लो, ये बटन देख रहे हो गुस्से से कितना लाल हो चुका है, अगर आप एक क्लिक कर दोगे ना तो यार इसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव क्रिकेट, लेव क्रिकेट।